हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक क्लास में। मैं हूँ जीशान। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, आपकी पंचायती राज विभाग का जो वेबसाइट है मैंने खोला हुआ है, और जो उसका जो यहाँ पर लिंक आया हुआ है वहाँ पर मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक ये लिंक नहीं खुल रहा है। लेकिन दोस्तों, मुझे जो है रिजेक्टेड जो कैंडिडेट लिस्ट है, जिसने एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया है, वो जो लोग नाम देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो मैंने उसी पर बनाया है, क्योंकि दोस्तों ये भी लिंक अभी तक नहीं खुला है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक हमारे व्यूवर्स हैं आपके, उनका नाम है सौरभ कुमार, जो जिसने मुझे मेल करके पूरा पीडीएफ भेजा है, शायद उनका वो लिंक खुला होगा। सबसे पहले तो सौरभ जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने मुझे पीडीएफ का लिंक जो है मुझे मेल करके भेजा, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। दोस्तों, मैं इसलिए उस पर वीडियो बना रहा हूँ कि जो लिस्ट है रिजेक्टेड कैंडिडेट का, जिसने मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया है, उसमें किसका नाम है वो आप देखिए, मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। और दोस्तों, वीडियो के नीचे लिंक में मैं पूरा पीडीएफ का लिंक बना के आपको दे दूंगा, क्योंकि वहाँ से तो खुल नहीं रहा है, तो मैं जो लिंक दूंगा वहाँ से आप आसानी से लोड करके अपना नाम देख सकते हैं कि कहीं आपका नाम तो रिजेक्टेड लिस्ट में नहीं है। जिसने भी डबल में अप्लाई किया है उस सबका रिजेक्ट कर दिया है। चलिए वीडियो को लास्ट से जोर देखिए। देखिए, मैंने यहाँ पर खोल कर रखा हुआ है ये जो लिस्ट है आपको, जिसने एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया है। देखिए, सबसे पहले दिखा रहा है अब्दुल मलिक एक नंबर में, इसने आपका समस्तीपुर और दरभंगा दो जगह अप्लाई किया है। उसके बाद देखिए अमरजीत कुमार, इसने भी दो जगह किया है, जहानाबाद और पूर्वी चंपारण। इस तरह से दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट थोड़ा लंबा है। देखिए, यहाँ दिखा रहा है 29 पेज का लिस्ट है। अगर मैं एक एक करके बताऊँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग को दिक्कत भी होगा, इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि एक एक आदमी चार जगह पांच जगह किया है। और दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, आपको हंसी आएगा, मैं बताऊँगा। मैं आपको अभी नीचे दिखा रहा हूँ कि एक आदमी तो 22 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया है, सोचने की बात है। देखिए इस तरह से, जिसका भी रिजेक्ट किया है, यह सारा कुछ दिया गया है। आपका अनुपम शर्मा है, इसने भी भोजपुर में रोहतास में किया है। इस तरह से जो लिस्ट मैं नीचे वीडियो के नीचे लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप लोड करके अपना देख सकते हैं। यह मैं आपको फटाफट दिखा रहा हूँ। चलिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किसने कितना बार अप्लाई किया है, जो जो ज़्यादा। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगभग आदमी ने 2 बार 3 बार अप्लाई किया है। ये देखिए, ये है आपका मोनिका कुमारी, इसने अप्लाई किया है चार जगह से, समस्तीपुर, मधुबनी, जमुई, नवादा। और आपको मैं वो दिखा दे रहा हूँ जो मैंने बताया था कि देखिए कितने कितने अप्लाई किए हैं। देखिए यहाँ पर आपको पुरुषोत्तम कुमार, देखिए यहाँ पर 43 नंबर से अप्लाई किए हैं, इतना अप्लाई किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने अप्लाई किया है। चलिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वो जिसने 22 डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया है। देखिए, ये है वो रविशंकर कुमार, जिनका नाम 50 नंबर पे है। देखिए किशनगंज, देखिए कटिहार, अररिया, अरवल, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, यानी आप इसको देखिए तो थक जाएगी गिनते गिनते। 22 डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने किया है। आपका नालंदा, नवादा, गया, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण। इसने सोचा कि मैं जॉब ले ही लूँगा, लेकिन संयोग से इसका नाम ही रेड लिस्ट में आ गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि अपना एक जगह से छोड़ के पूरा स्टेट से भर देना है। देखिए कितना भरा है, 22 जगह से मैंने गिना, 22 जगह से इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। देखिए, ये सब नाम जो है दोस्तों, ये रिजेक्टेड लिस्ट का है, सबको ये रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो टोटल है वो आपका 68, यानी 68 जो आदमी है इसका लिस्ट ये रिजेक्ट लिस्ट में आया है, जिसका भी आपको विभाग ने रिजेक्ट कर दिया है। तो मुझे सौरभ जी ने ये पीडीएफ अवेलेबल कराया है, इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लिंक दोस्तों अभी तक ओपन नहीं हो रहा है। जैसा कि देख रहे हैं, कोई भी लिंक, 3 में से सिर्फ एक ही हो रहा था ऑब्जेक्शन वाला, ये दोनों में से कोई लिंक ओपन नहीं हो रहा है। तो मुझे सौरभ जी ने भेजा है, तो उसमें मैं वीडियो बना के लाया हूँ। दोस्तों, आप अपना नाम देखना चाहते हैं, जिसका भी नाम रेड लिस्ट में है, जिन्होंने एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया है, तो मैं वीडियो के नीचे लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से आप लोड करके देख सकते हैं। और दोस्तों, ये ऊपर वाला लिस्ट है ड्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट एलिजिबल फॉर
काउंसलिंग, इसका भी लिस्ट अगर किसी के पास है तो प्लीज़ मुझे भेजिए, मुझे मेल कीजिए, तो मैं उसे वीडियो बनाकर जरूर लाऊंगा जैसे ही खुलता है मुझे। और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ तो उसे वीडियो बनाकर जरूर लाऊंगा। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो ये लिस्ट देख सके। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।